हाय गाइस, आज हम निकले हैं सीडी के लिए फैमिली ट्रिप। छोटा सा फैमिली ट्रिप जो हम चिखली से होते हुए पहले जाएंगे वगई, उसके बाद वहां से सापुतारा एक स्टॉप करेंगे, चाय पानी कुछ नाश्ता करेंगे। वनी होते हुए हम सीधा ये लासन गांव वो होते हुए हम सीधा सीडी पहुंचेंगे। तकरीबन 230 किलोमीटर का जर्नी है, ये मैप के थ्रू दिखा रहा 211, लेकिन वो है 230 किलोमीटर। सन हम सीडी के बहुत पास में है। स्नोवी को थोड़ा सुसु पुट्टी करवाने के लिए रुके हुए, बहुत टाइम से रुका हुआ था इसके लिए। और ये खेत देखिए, ऑसम खेत है, ऑसम। वो लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं। चल स्नोवी, तो हम ये होटल में रुके हुए हैं, होटल साई विश्वकर्मा। अच्छा होटल है, डिसेंट होटल है, ऑनलाइन बुकिंग आप कर सकते हैं। स्नोवी भी भाई गियो, स्नोवी ने भी, स्नोवी बदन ने भी उड़ावे के। स्नोवी आपने भी उबानू नहीं। तो ये सीडी में द्वारावती भक्त निवास है, वहाँ पे आपको अच्छा रूम मिलेगा। हम लोग यहाँ पे नहीं रुके हुए यहाँ पे, क्योंकि हमारे साथ स्नोवी है तो यहाँ पे अलाउड नहीं है रुकना, इसलिए हम बाहर रुके हुए हैं। लेकिन यहाँ का रूम्स बहुत अच्छे होते हैं और बहुत चीप प्राइस पे होते हैं, अफोर्डेबल प्राइस पे होते हैं। साईं बाबा मंदिर के बहुत पास में है, ये बहुत बड़ा है। एंड उसके डायरेक्ट अपोजिट ये है गार्डन, जहाँ पे बच्चे लोग खेल सकते हैं, बहुत बड़ा है। और लास्ट में आपको दिख रहा होगा कि नहीं, वहाँ पे आपको लंच डिनर भी मिलता है, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पे, बहुत कम रेट पे। और यहाँ पे चाय मिलता है, चाय कॉफ़ी, जो भाऊ लेने गई है मेरे लिए। मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट और टी पिया नहीं है, देन दैट्स व्हाई। स्नोवी चाय आ गई मेरी। ये मंदिर के ठीक अपोजिट हमने रुके थे और यहाँ पे हम लोग घूम रहे, स्नोवी को थोड़ा घुमा रहे थे। तो ये वहाँ पे चार रास्ता है, आप टोल देख सकते हो, क्योंकि कल 26 जनवरी है तो यहाँ पे ध्वज वो सब टोल पे मिल रहा है, सेल हो रहा है, वहाँ पे आप परचेस कर सकते हो। और ये सारे टोल्स है वहाँ पे, और उसके आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि स्नोवी है और बहुत ट्रैफिक है, इसलिए हम यहाँ से वापस रिटर्न हो रहे रूम के लिए। स्नोवी देखो, गार्डन में स्नोवी घूम रहा है। ये ऐसा गार्डन है, एक साइड पर सारी पब्लिक है, तो हम अपोजिट साइड पर आए हैं स्नोवी को घुमाने के लिए। स्नोवी
और इसके बाद हम लोग जाएंगे भोजन करने के लिए, डिनर जो ये साईं बाबा ट्रस्ट का है, 10 रुपये में डिनर होता है। तो अभी मैं सीडी में सीएनजी पुरवाने के लिए आया हूँ, रिफिल करने के लिए आया हूँ। सीडी में एक ही सीएनजी पंप है जो तकरीबन मॉर्निंग में 10 बजे खुलता है और रात को 10 बजे बंद हो जाता है, तो बहुत लंबी लाइन लगती है यहाँ पे। तो ध्यान से आपको सीएनजी रिफिल करवा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से सीधा फिर नासिक में है सीएनजी पंप्स, तो बेटर रहेगा कि आप यहाँ से ही रिफिल करवाइए। और सीधा फिर आप जाएंगे उस तरफ तो फिर वास्ता में, वघई में है एक, वास्ता में है, बाद में आपको पूरे गुजरात में मिलेगा आपको फिर सीएनजी। तो आज हमारा चेकआउट है और मैं रिसेप्शन के उस पार गया हूँ जहाँ पे ये किशोर भाई हमारा सम्मान करने वाले हैं। एज़ पर हिम वो बोलते हैं कि हम जितने भी गेस्ट आते हैं उनका वो उसी तरह से सम्मान करते हैं, और बाद में उनका कोई ग्रुप है वहाँ पे वो लोग पोस्ट करते हैं। ये होटल विश्वकर्मा में हम रुके थे जिसमें विश्वकर्मा होटल उसी एरिया में सेम प्लेस पे 3-4 होटल विश्वकर्मा है। आपका नाम क्या है? किशोर भाई। चलो चाहिए सही राम और श्रीराम। तो ये है सीडी के पास ग्रेप्स का खेतर फार्म। वाओ, फर्स्ट टाइम आई एम सीन ग्रीन ग्रेप्स। वाओ, इतनी सारी ग्रेप्स, ऑसम। भैया देख सकते हैं ना, पहली बार इतनी पास से देखा है। वाओ वाओ वाओ, ये पक गया क्या? अभी टाइम है, पक गया ना। अभी सीधा यहाँ से सेल करने के लिए भेजेंगे कि फिर कहाँ पे? ओ दुबई। A1 क्वालिटी है। अच्छा, कैसे पता करते क्वालिटी कैसा है? अच्छा अच्छा, गुजरात नवसारी के पास। सीडी से आ रहे, कल गए थे, अभी जा रहे सीधा सापुतरा, सापुतरा से नवसारी। ऑसम। तो यहाँ पे वो वाइन के लिए भी भेजते होंगे ना, कौन सा छोटा रहता होगा। और जो लाल कलर का जो बनता है वो भी ग्रेप्स सेम ऐसे ही होता है। हाँ। सही।
अच्छा इसका प्लांट्स लगाना हो तो क्या करना पड़ेगा? प्लांट लगाना हो घर पे तो हाँ अच्छा कहाँ पे मिलता है कुछ आइडिया आपको? नर्सरी में यहाँ पे नर्सरी होगा वहीं पे मिल जाएगा। वैसे करना पड़ेगा क्या बात हुई इतना इतना बड़ा होने में इतना तो घर पे कोई नहीं करेगा। अंगूर आना स्टार्ट होता है। अच्छा अच्छा बाद में कम होता है फिर। ए, पेपर क्यों लगाते हैं ये सारा जो पेपर है वो? हाँ अच्छा इसके लिए तो ये देखे हम लोग इमली तोड़ रहे हैं। ये देखिए मारा पत्थर और कुछ भी नहीं गिरा। स्नोवी को भी मजा आ रहा है क्यों स्नोवी? है ना स्नोवी ग्रेप्स खाने में? हाय 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 पत्थर का मायरो तुए। देखो मम्मी देखो हमारी माता श्री को देखो हमारी माता श्री ग्रेप्स को एंजॉय करते हुए। यहाँ पे ग्रेप्स का हार्वेस्टिंग हो रहा है। ये सारी ग्रेप्स लेके जाएंगे दुबई बोलते हैं। इवन क्वालिटी है साइज होता है 14-15 समथिंग ऐसा कुछ। यहाँ से फर्स्ट जाएगा थाने के बाद जाएगा सीधा दुबई। ये क्वालिटी अपने को नहीं मिलती है। तो यहाँ से सापुतारा का घाट स्टार्ट होता है जो 5-6 किलोमीटर है। हम जा रहे हैं सापुतारा से नीचे की तरफ और ये रास्ता पूरा जिगजैग वाला है और बहुत डीप टर्निंग है शार्प टर्न है। तो गाड़ी चलाते समय बहुत केयरफुल रहिए कि ज़्यादा स्पीड में ना चले जाए। तो ये हम सापुतारा के नीचे आ चुके हैं और ये टोल टैक्स टाइप का है जहाँ पर सापुतारा में जाने के लिए आपको 30 रुपीज़ देना है। और ऊपर की तरफ जब सापुतारा में आप एंटर होंगे महाराष्ट्र से तभी आपको 30 रुपीज़ देना है। तो मतलब गुजरात से 30 रुपीज़ और महाराष्ट्र से 30 रुपीज़ आपको वहाँ पर टोल पे करना पड़ेगा और वो कैश में ही टोल पे करते हैं।